चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ विथ एयर एज मीडियम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर। द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2, अच्छा ये दिया हुआ, के की वैल्यू दिया है, एंड थिकनेस इज 4 मिलीमीटर, हैविंग द सेम एरिया इज इंट्रोड्यूस द प्लेट, द कैपेसिटेंस टू रिमेन द सेम, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज। सबसे पहले क्या कह रहा है, ध्यान दो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर भरा हुआ है और उसकी डिस्टेंस 8 मिलीमीटर है। हम डी कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कैपेसिटर हो गया। द मीडियम, अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2, ये के की वैल्यू है, एंड थिकनेस 4 मिलीमीटर, ये टी की वैल्यू है, हैविंग द सेम एरिया इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। अब अगर इन दोनों के बीच में एक प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंट्रोड्यूस की गई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया जिसके के की वैल्यू 2 है और थिकनेस टी जो है वो 4 mm है, ठीक है, तो द कैपेसिटेंस रिमेन सेम द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब प्लेट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जिससे कि कैपेसिटेंस पे कोई फर्क ना पड़े, यानी ये डी डैश अब हो जाना चाहिए, डी डैश की वैल्यू, ये पहले डी था दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस, अब ये डी डैश हो गया, तो डी डैश की वैल्यू क्या होगी जिससे कि इसका कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। यहां पर जब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जनरली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होता है ना, तो इस सिचुएशन में फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह अब डी डैश होगा, यहां पर कितना होना चाहिए, माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होना चाहिए। अब ये दोनों सिचुएशन में कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, सेम होने का मतलब C initial is equal to C final, C initial value epsilon not A by D is equal to epsilon not A by D dash minus T plus T by K, epsilon not A गया, ये पूरा cross multiply कर दो तो क्या आएगा, D dash minus T plus T by K is equal to D, ये आएगा। अब वैल्यू इधर ट्रांसफर करो तो D dash is equal to ये कितना होगा, D प्लस टी माइनस टी बाई के, करेक्ट है, सही है, देख लो एक बार चेक करो, सही लिखा है ना मैंने। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, ये पूरी वैल्यू यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, डी डैश इज इक्वल टू, पहले यहां पूरा लिख देते हैं फॉर्मूला, ये प्लस है, ये टी है और माइनस टी बाई के है, तो डी की वैल्यू कितनी थी इनिशियली, 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, चलो सब कुछ मिलीमीटर में लिख रहे हैं ना, चलो मिलीमीटर में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 प्लस थिकनेस 4 mm माइनस 4 बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, तो ये 12 माइनस 2 10 आ गया, 10 mm, डी डैश की वैल्यू 10 mm आ गई, करेक्ट है, लॉजिक समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन सही, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।